ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम राम। तो नीलम बहन भाई, कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के हाजिर हैं अपने सभी श्रोताओं के लिए। और जैसा कि हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि आज विशेष कार्यक्रम हमारा जाता है जिसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। खेतों में जब पॉली हैलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉली हैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉली हैलाइट। साथियों, पुनः स्वागत एक बार कार्यक्रम ग्राम संसार में। और जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष प्रायोजित कार्यक्रम आज प्रस्तुत होता है जिसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड। और भाई, कार्यक्रम में हम गन्ना पाठशाला लेकर के आते हैं क्योंकि आज का विषय भी है नीलम बहन। जी बिल्कुल, और आज का विषय है पछेती गन्ने की खेती में खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई, कीट और रोग नियंत्रण। बिल्कुल, और साथियों अगर आप कोई भी प्रश्न ऐसा पूछना चाहते हैं, गन्ने की फसल इस समय खेतों में खड़ी हुई है और पछेती फसल यदि आपने लगाई है, तो खरपतवार से कोई संबंधित प्रश्न है, सिंचाई की में कोई दिक्कत है, कीट या रोग प्रबंधन से संबंधित आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। क्योंकि जो इस देश के बेटे अनुसंधान करते हैं, जो लेबोरेटरीज में प्रयोग करते हैं, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी सोच डॉक्टर्स हों, वैज्ञानिक हों, विशेषज्ञ हों, आप तक पहुंचती है और आप उनकी सोच का लाभ उठाते हैं अपनी कृषि में। तो नीलम बहन बताएं एक बार आज कौन कौन से हमारे गन्ना विशेषज्ञ उपस्थित हैं। अमित भाई, आज के हमारे गन्ना विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, उप गन्ना आयुक्त मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटास लिमिटेड। और हमारे बीच में एक और हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक हैं गन्ना अनुसंधान नई दिल्ली से। जी साथियों, तो ये विशेषज्ञ की जो पूरी टीम है हमारे साथ लगी हुई है और सभी बस इंतजार इस बात का है कि आप हमें कार्यक्रम में कॉल करेंगे, क्योंकि आपकी भी हिस्सेदारी इस गन्ना पाठशाला में बहुत जरूरी होती है। कोई भी ऐसी समस्या लगती है आपको, क्योंकि कई बार होता है ना बहन, देखते हैं हम कि नीलम बहन की हमारी जो फसल है वो कहीं तो लहला रही है लेकिन कहीं कोई समस्या है, तो देखा देख हम किसी भी किसान की राय ना लेकर के क्यों ना सीधे विशेषज्ञों से अपनी राय लें, उनसे सुझाव लें। और भाई, इस कार्यक्रम में जो गन्ना पाठशाला है आज की, इसका संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए आप सबको लेके चलते हैं उस स्टूडियो में जहां उपस्थित हैं सभी विशेषज्ञ और कार्यक्रम संचालन शिवनंदन लाल। जी बिल्कुल अमित भाई, और अपने किसान बहन भाइयों को एक बार फोन नंबर भी बता दें जहां वो फोन करेंगे। फोन नंबर है 0111-23-42-10-82 और दूसरा नंबर है 0111-23-42-10-83। तो इन दोनों नंबरों पर आप फोन करें और विशेषज्ञों से सीधे बात करें, और गन्ने की फसल से कोई भी जानकारी चाहते हैं विशेषज्ञों से बात कर आप तुरंत ले सकते हैं। तो अब चलते हैं स्टूडियो में। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर धर्मवीर जी और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनंदन जी। और जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि इस समय जो गर्मी चरम पे है और गर्मी में चाहे गन्ना हो, चाहे अन्य फसलें हों, चाहे बागवानी वाली फसलें हों, चाहे हमारी मतलब जो भी फसलें खेतों में लगी होती हैं, उनको निश्चित तौर पर इस गर्मी का प्रभाव उन पर पड़ता है। और जब हम गन्ने की ही बात करते हैं, क्योंकि गन्ना है, केला है, धान है, ये तो ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम उसमें सिंचाई करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें खरपतवार भी उगते हैं। तो किस तरीके से इस समय, पहले तो हम डॉक्टर ओम प्रकाश जी आपसे जानना चाहूँगा कि गन्ने की फसल को इस गर्मी से क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से किसान भाई अपनी फसल को इस गर्मी से बचाएं। इस समय चूंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, नमी की अगर कमी होती है खेत में
तो गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जी, कि अगर पानी ज़्यादा लगा देते हैं तो जो नीचे की पत्तियां हैं वह पीली पड़ जाती हैं और गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है। तो गन्ने में जो पानी लगाना है, अगर ट्रेंच विधि से गन्ना बो रखा है तो केवल लाइन में पानी लगाएं, गहरी लाइन होती है ट्रेंच की, उसमें पानी लगाएंगे तो इससे पानी की खपत भी कम होगी और दूसरा इसका फायदा होगा कि खरपतवार आपके खेत में नहीं हो पाएंगे। अगर आपने समतल विधि से गन्ने की बुआई कर रखी है तो ऐसी दशा में ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी पानी लगाएं तो ज़्यादा न लगाएं, 3 से 4 सेंटीमीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और सिंचाई के बाद उसकी जुताई जरूर करें। लाइन कल्टीवेटर के माध्यम से जो हम कम दूरी पर फसलें बोए हुए हैं गन्ने की, अगर 60 सेंटीमीटर भी है तब भी लाइन कल्टीवेटर के माध्यम से, लाइन हैरो के माध्यम से बुआई कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बातचीत आपसे जारी रखेंगे। एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो, राम राम जी। हाँ राम राम जी। मैं जी जिले शामली से बोल रहा हूँ, शिताब सिंह जी। क्या सवाल है अब कीजिए अपना। अजी ट्रंच से गन्ना बो रखा, मैं पूछना चाह रहा इसमें मिट्टी देना है, मैं कद्दू मिट्टी में चढ़ाऊ इस पर जी। डॉक्टर तेवतिया जी, आपका टेलरिंग वगैरह ब्यात वगैरह हो गया गन्ने में? हाँ जी हो गया, ब्यात ठीक हो गया जी। पेड़ी है या पौधा है? पौधा है। कब बोया था? 3 महीने का हो गया जी, 18। ब्यात जो है उसका टेलरिंग है, कितना बड़ा हो गया? करीबन 4 फुट के करीब। 4 फुट ब्यात हो गया या टोटल बड़ा वाला गन्ना हुआ है? बड़े वाला जी। और ब्यात कितना हो गया? ब्यात की बाजू में जी 10-10। अच्छा तो ठीक है, आप जो है अब उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। मिट्टी चढ़ाने से पहले उसमें खाद डालिए, पॉलीहेलाइट डालिए, और उसमें आप जो है ये यूरिया डालिए, 1 बोरा प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बोरा डालिए पॉलीहेलाइट का, थोड़ा सा सिंगर सुपर फॉस्फेट का 1 बोरा डाल दीजिए 1 एकड़ में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जो है वो भी डाल दीजिए, और अगर कूड़ी का खाद डाल सको तो वो भी थोड़ा थोड़ा डाल दो और मिट्टी चढ़ा दो, फिर पानी देते ही आप देखिए फसल कैसी आएगी। गन्ना तो बुना नहीं लोग उस समय? कोई बात नहीं, गन्ना नहीं बनता है उस तक, मिट्टी चढ़ाते समय गन्ना बनना भी नहीं चाहिए। गन्ना बन गया तो फिर मिट्टी नहीं चढ़ती है, फिर तो टूट जाएगा आपका ट्रैक्टर वगैरह, घुसाओगे मिट्टी चढ़ाने में तो। नहीं जी ट्रैक्टर नहीं, इसमें घुसने का 1 मीटर पे है जी। तो कैसे चढ़ाओगे मिट्टी? फावड़े से जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फावड़े से चढ़ा दीजिए, लेबर बहुत आएगी फावड़े से चढ़ाने में। आपके छोटा ट्रैक्टर नहीं है जो होता है पावर टिलर छोटा वाला? अजी 3 फुट में कोई सा ट्रैक्टर नहीं चलता डॉक्टर साहब। 3 फुट में एक चल जाता है, छोटा वाला है, मुजफ्फरनगर में बनता है, और 10 हॉर्स पावर का उसमें इंजन रखा है। मेरे पास है खुद घर पे, वो मैं चढ़ाता हूँ उसी से। अजी नहीं हम तो चढ़ाओ, इतना कहाँ चल जाऊंगा मैं, 4 बीघे का दम्बर तो सारा ही है। चलो फिर कोई बात नहीं, आप जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए आपका कार्यक्रम में। तो डॉक्टर धर्मवीर जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि सिंचाई, और सिंचाई के बाद जब उसमें सिंचाई करते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे खरपतवार उसमें ना उगें, और उगते हैं तो उसको किस तरीके से रोकथाम कर सकते। देखिए किसान भाइयों, चाहे गन्ना ट्रेंच विधि से वो, चाहे गन्ना साधारण विधि से, जब पानी देते हैं तो उसके बाद खरपतवार उगना निश्चित है। 3 विधियां हैं खरपतवार नष्ट करने की। नंबर 1 यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में जैसे कुदाल से, फावले से, खुरपी से, और ट्रैक्टर चलित जो मशीनें हैं जैसे टीलर है, पावर टीलर है, इनसे हम निकाई गुड़ाई करके खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। नंबर 2 विधि है जैविक विधि, जैसे ट्रेच मेल्सिंग करके और पत्ती बिछा करके, उस नमी से जो हमारे जो खरपतवार है उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उससे वो जैविक विधि द्वारा खत्म हो जाती है। नंबर 3 विधि है हमारी रासायनिक विधि। रासायनिक विधि से किसान भाइयों, आजकल जैसे अल्ट्राजीन है और तुम्हारा जो है 240 है, इसका 1 किलो 600 लीटर पानी में प्रति हेक्टर की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो काफी हमें राहत मिलती है। जी डॉक्टर साहब, आपने 3 विधियां बताई हैं निश्चित तौर पे, और हमारे किसान भाई इस समय सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती, और जिसका आज का विषय है पछेती गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, कीट और रोग प्रबंधन। विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी हैं और डॉक्टर यूएस तेवतिया जी हैं। और अगर किसान भाइयों आप गन्ने से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल है, अगर आप हमारे विशेषज्ञों से जानना चाहते हैं, या आपने गन्ने की खेती की है तो भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं
तब भी आप पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे किसान हैं अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, वो भी फोन करके हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83, यानी 2342108223421083। और जो लोग मोबाइल से फ़ोन करेंगे हमारे किसान भाई, वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सिंचाई की बात आपने करी, तो सिंचाई में आपने कहा कि उसको ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, तो पीली पड़ जाएंगे या किसी नीचे की पत्तियाँ उस तरीके से हो गई, लेकिन किसान भाई तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करते हैं, उसका क्या उन्हें लाभ है या हानि है? अगर ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गन्ने की जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ती हैं, अगर नीचे की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, उसमें खाद्य पदार्थ कम बनेंगे जिससे गन्ने की मोटाई कम हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी, और जो टिलर निकल रहे होंगे वो टिलर कभी कभी मर जाती हैं, जो मिलेबल केन की संख्या है वो घट जाती है। पानी हल्का लगाएं, उसके बाद में अगर आप इंटरकल्चर ऑपरेशन कर देते हैं यानी हल्की गुड़ाई कर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि लाइन कल्टीवेटर से जी, या लाइन हैरो से, पावर टिलर के माध्यम से या छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से, तो सॉयल की एक मल्च उसके ऊपर बन जाती है, तो बार बार आपको खेत में पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरा, उन किसानों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिन्होंने ट्रेंच विधि से गन्ना बोया हुआ है, उनको केवल ट्रेंच में पानी लगाना चाहिए। इससे फायदा होगा कि जो ट्रेंच की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर की, उसमें केवल खरपतवार उगेंगे, और बाकी जो 3 फीट लगभग दो लाइनों के बीच में जगह है उसमें खरपतवार नहीं होंगे, साथ ही में मिट्टी भी उसकी भुरभुरी बनी रहेगी, और आपकी जो खेती की लागत है, खरपतवार निकालने की लागत है, वो काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। और सबसे अच्छा यह है कि जल ही जीवन है, जल की बचत भी हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जब सिंचाई करेंगे नीचे की पत्तियों में पानी की वजह से पीली पड़ जाए, लेकिन गन्ने की तो पत्तियां सीधे ऊपर को चलती हैं ना कि नीचे को? हाँ, कुछ पत्तियां जो छोटे टिलर्स होते हैं हमारे जी, टिलर्स की हाइट अलग अलग होती है, तो कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो नीचे रहती हैं। जब पानी, यहाँ देखा ही गया कि किसान 25-30 सेंटीमीटर तक पानी कभी कभी भर देता है, वो तो ज्यादा होता है, तो ऐसी दशा में जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, खराब हो जाती हैं, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है जिससे गन्ने की पैदावार कम होने की संभावना रहती है। जी डॉक्टर साहब, बातचीत आपसे और भी करेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नार मोहम्मदपुर से धनेन्द्र बोल रहा हूँ। जी धनंजय जी, मेरा प्रश्न ये है जी कि गन्ने में घास हो गई है पौधा में, तो क्या कोई दवाई ऐसी आती है जो घास को खत्म कर दे? धर्मेंद्र जी, बहुत सारी दवाई आती हैं, और आप एक मेट्रीबिजिन है दवाई और 2,4-D है जो संकरी पत्ती वाले और चौड़ी 2,4-D, हाँ एक एक किलो लेके और 600 लीटर में मिला के तर कर दो घास को। घास तीन अच्छा। तीन चार पत्ते से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3-4 पत्ते की होनी चाहिए, और उसमें जो है आप फिर पानी, नमी होनी चाहिए काफी अच्छी, आज के दिनों में पानी देने के 2 दिन बाद में उसको लगा दो दवा को, अच्छी तरह से तर कर दो उसको, खत्म हो जाएगी। घास कितनी बड़ी है आपके उसमें? घास तो उसमें काफी बड़ी हो गई है, मैं उसे कर लूंगा कवर। दूसरा ये, मेरे पास में ऐसा रूटावेटर है जो 29 इंच पे बोई गई गन्ने की फसल को भी वो जोत देता है। वो सही है, वो मेरे पास भी है, मेरे पास 4.5 फुट वाला भी है जो उसमें कर देगा, और जो 32 इंच पे इन पे बो रखा है वो 21 इंच में चलते है, 19 से 21 इंच का चौड़ाई है वो बहुत बढ़िया, केओस पावर का इंजन है उसमें। उसमें इंजन नहीं है जी, वो तो ट्रैक्टर से चलते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर छोटा वाला ट्रैक्टर? नहीं, 36 फीट से चलता है। फिर उसमें 3 ब्लॉक होंगे, वो 3 खूड में जाता होगा। हाँ, 3 ब्लॉक है जी उसमें। हाँ वो ठीक है, वो तो बहुत चल रहा है, अलग अलग 3 ब्लॉक है उसमें। ठीक है, तो उसको कर लो आप। गन्ना ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? क्योंकि ज्यादा बड़े में नहीं चलेगा। नहीं नहीं, गन्ना तो करीब करीब ऐसा है 9 इंच का। तो, हाँ तो बस उसको एक बार करवा के ट्रैक्टर से, और एक बार फावड़े से खुदवा दो। अब तो लोगों में जान नहीं रही, पहले तो हम तो फावड़े से ही खोद देते थे कई कई एकड़ को। और वो बालक तो करते नहीं होंगे काम? अब बालक सब कोई रहता ही नहीं है यार, सब अपने अपने हिंदे बारे है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। तो कोई अगर लेबर मिल जाए ना, तो अच्छा, लेडीज वगैरह, तो खुड़ खुड़ में घास निकाल देना उसमें खुरपी से। मैंने 88 गन्ना बोया है। हाँ
उसमें जर्मिनेशन कम हो रहा है। हाँ देखो, गर्मियों में ये आम समस्या रहती है, गर्मियों में अंकुरण कम होता ही होता है। आपने बहुत लेट बोया है। जी साहब, मेरे को बोए हो गए उसे जो है 35 दिन। हाँ तो 35 दिन भी आप लगा लीजिए। आपने 1 मई के आसपास बोया है वो, और अब की बार टेम्परेचर इतना रहा, अप्रैल से ही बहुत तेज टेम्परेचर रहा है, नमी की कमी रही है जी धर्मेंद्र जी उसमें। पानी तो बरकरार रखा है। तो फिर ज्यादा नमी हो गई होगी फिर। और पानी तो मैं केवल उसमें इतना लगता है, कंप्यूटर है, खेत है, पानी उसमें इतना लगता है 1 इंच तक। जी डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने गन्ने की बुआई की होगी तो उसमें मिट्टी ज्यादा डाली गई होगी, जिसके कारण जमाव देरी से हो रहा है। अगर देर से बुआई करते हैं तो मिट्टी कम डालनी चाहिए और हल्की सिंचाई कर दें तो जमाव बेहतर हो जाता है। अभी जो 118 वैरायटी किसान भाई बोते थे तो इसका जमाव कम होता था, लेकिन जब से किसानों ने सीख लिया कि मिट्टी कम डालनी है तो उसमें जमाव भी अच्छा होता है और बाद में टिलरिंग भी उसकी अच्छी हो जाती है। 38 में तो जमा बहुत सख्त है जी, बहुत तगड़ा जमा है 38 में तो। हाँ, 38 एक ऐसी वैरायटी है, 38 भी और 118 जिसका जमाव बहुत जल्दी होता है, लेकिन मिट्टी कम डालनी चाहिए अच्छे जमाव के लिए और जल्दी जमाव के लिए। और साथ ही में अच्छा जमाव लेने के लिए जरूरी है कि नीचे का जो गन्ना है कम से कम 3 पोर न बोया जाए, अगर संभव हो तो केवल ऊपर का 1/3 गन्ना बोया जाए, और गन्ने की जब बुआई करें तो उसको थोड़ा सा पानी में भिगो करके उसके बाद अगर बुआई करते हैं तो ज्यादा अच्छा जमाव होता है। सीड का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए जिससे जमाव बेहतर हो पाए। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम कई बार किसान भाइयों को सलाह देते रहे हैं कि अगर आप ज्यादा देर से गन्ने की बिजाई कर रहे हैं तो आप उसकी पौध तैयार कर लो और उसके बिजाई कर दो, तो उससे आपको जो अंकुरित गन्ना मिलेगा वो जल्दी। एक कारण धर्मेंद्र जी ये भी हो सकता है कम अंकुरण का, के धूप में ज्यादा देर छोड़ दिया हो कटा हुआ गन्ना आपने। साहब मैंने तो सुबह के टाइम में बोया है और 9 बजे तो उस पर मेला लगा दिया। अच्छा, अब एक काम करके देख लो, देखो जो अब नहीं जमे वो तो अब संभावना है नहीं उनकी जमने की। हाँ जी। अगर खोड़ में लंबी लंबी जगह है तो वहाँ पे जो है फावड़े से अच्छी तरह से भुरभुरा करके, और अगर बीज है आपका तो ऊपर का 1/3 गन्ना और उसमें पेंडे काट के उनको दबा दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका, अगर गन्ने की पौध मिल जाए आपको कहीं से तो पौध लगा दो लाके, वो और बढ़िया हो जाएगा। गन्ने की पौध भी उगाते हैं। पौध ट्राई करते हैं, गन्ना तो नहीं मिलेगा। हाँ तो पौध ट्राई कर लो, पौध गन्ना विभाग भी बनाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, उनमें से कहीं मिल जाए या आपके कोई साथी गन्ने वाले ने किसी किसान ने बना रखी है वो ले लो। ये साबितगढ़ मिल जा रहे बनाते हैं जो। हाँ तो इनसे जाके संपर्क करो और पौध ले आओ। संपर्क करता हूँ। और पौध में भी ये ध्यान रखना कि पौध ठंड में लाना, पानी में भिगो के मिट्टी को और जड़ के सहित, और उसको छाया में लगाना, धूप में रख दोगे तो उसकी भी यही हालत हो जाएगी, ये सावधानी रखना। एक बार मैंने पौध लगाई थी। हाँ। तो मैंने शाम के टाइम में लगाई थी और पानी भर के खेत में उसमें वैसे ही दबा दिए थे वो। हाँ। उसकी तो कैसी हुई थी? दबा दिया था और बहुत अच्छी हुई। हाँ तो बस तो वही ध्यान रखना है, अगर वो धूप में छोड़ दी ना, सुबह को मत लगाना, नहीं पूरी दोपहर ही जब उसके ऊपर से निकलेगी ना, पानी भी गर्म हो जाएगा पौधे में, वो जड़ें पकड़ी नहीं होंगी तो होगी। शाम के समय लगाइए। शाम को लगाई थी वो। हाँ, अब की बार भी मिले तो शाम को ही लगाना, वो सबसे बढ़िया टाइम है। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई समय सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, और इसमें लेते हैं छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एकरोना ही डाले, एकरोना ही डाले, एकरोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एकरोना एनपीके 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलाए, हर मौसम में फसलें लहलाए, खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक IPL का एकरोना एनपीके 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई कार्यक्रम को सुनते हैं और निश्चित तौर पे चाहते हैं कि हमें कार्यक्रम के बीच में थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे, तो कहो तो एक रागनी सुनवा देते हैं। बिल्कुल, किसानों को मनोरंजन भी करवाया जाए। ओ,
गुण अर्जुन मेरी बात हाथ ऐसा मौका फेर आया मैं जो आऊं मैं हथियार वार करूं मेरा छतरा कंड घाट जावे सुन पर जोन मेरी हाल मत पिछला याद दिला
कर ले तैयारी फिर धरती पगिर क्या करन भारत ने ऐसी शक्ति मारी तो किसान भाइयों अभी आप सुन रहे थे कौशिंदर खदाना की गाई हुई रागनी और कार्यक्रम हमारा चल रहा है रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती और जिसका आज का विषय है पछेते गन्ने में खरपतवार नियंत्रण सिंचाई कीट और रोग प्रबंधन और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी जो उप गन्ना आयुक्त हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हैं। दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी जो कि मुख्य प्रबंधक हैं गन्ना वो भी मुजफ्फरनगर में हैं और भाई साथ में हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी जो तो हमेशा ही रहते हैं और बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं और क्या करते हैं, किसानों की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। और जब तक वैसे किसान भाइयों को एक बार नंबर तो बता ही देते हैं हमारा 2342-1082 और 2342-1083 ये फ़ोन नंबर है। मोबाइल से जो फ़ोन करेंगे 011 पहले लगा लें उसके बाद डायल कर लें 2342-1082 2342-1083 और लगता है कि एक हमारे किसान भाई लाइन पर हैं, पहले तो हम उनसे बात ही कर लेते हैं। हेलो नमस्कार जी, जी महेंद्रगढ़ से सुमेर बोल रहा था। जी सुमेर जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी मैं ये पूछ रहा था महेंद्रगढ़ एक विशेष एरिया है जी, तो वहाँ गन्ने की कोई बिजाई कोई किस्म ऐसी हो तो सर तो लेट हो गया लगा दो आगे बोल। हाँ बिल्कुल आगे के लिए आपको डॉक्टर तेवतिया जी से जानना चाहूँगा। हाँ तो आपने मिट्टी टेस्ट कराई है? नहीं सर मिट्टी टेस्ट नहीं। तो देखिए बिना आपकी मिट्टी की रिपोर्ट जाने बिना पानी की रिपोर्ट जाने नहर का साधन है पानी तो मिल जाएगा। अच्छा आपके क्षेत्र में गन्ना होता है? नहीं सर यहाँ आसपास तो नहीं बोलते कोई। हाँ तो देखिए मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी है। अब हम ऐसे ही आपको कह दें कि ये गन्ना बोलो ऐसे कर लो तो वो सही नहीं रहेगा। मिट्टी की जांच करवाइए आप प्रयोगशाला में, फिर हमें रिपोर्ट बताइए कि ये है तो अब हम कुछ सलाह दे पाएंगे आपको। ठीक है सुमेर सिंह जी फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हमने सिंचाई की बात कर ली खरपतवार नियंत्रण पर भी जिक्र कर लिया, लेकिन जो हमारा कीट और रोग प्रबंधन की बात आती है जिसमें गन्ना एक ऐसी फसल है इसमें बिजाई से लेकर के जितनी फसल बड़ी होती जाती है उसमें कीड़े दर कीड़े आते रहते हैं, तो इस समय कौन सा ऐसा कीट है जिसका ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है और किसान भाई उसकी किस तरीके से रक्षा कर सकते हैं अपने गन्ने की फसल की? गन्ने में लगभग 200 कीट लगते हैं, लेकिन इस समय जो सबसे प्रमुख कीट है जिसको हम चोटी बेधक कहते हैं। चोटी बेधक इसलिए कहते हैं जो गन्ने का अपेक्स पार्ट होता है यानी जो ग्रोइंग लीफ होती है जी। उसको नुकसान पहुंचाता है इसलिए चोटी बेधक कहते हैं। अगर साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो सर्पोफेगा एक्सेप्टेलिस बोलते हैं। और इससे गन्ने का नुकसान अगर हम देखें तो उपज का 35-40% तक हो सकता है अगर इंसिडेंस ज्यादा है। इसी तरीके से जो चीनी की मात्रा है वो भी गन्ने में कम हो जाती है। इस कीड़े की इस समय जून के महीने में तीसरी पीढ़ी चल रही है जो सबसे ज्यादा गन्ने को नुकसान पहुंचाती है। इसका जो एडल्ट होता है चांदी जिस तरीके से चमकती है वैसे इसकी एडल्ट जो मादा होती है चमकती है, साथ ही में उसके पीछे एनल टक्ट में भूरे रंग के बाल होते हैं। ये मादा शाम के वक्त यानी जो शाम का 2 घंटे का समय होता है उसमें गन्ने की पत्ती की जो निचली सतह होती है मिड रिप के पास जहाँ गन्ने की पत्ती थोड़ी मोटी होती है वहाँ पर ये अंडे ओवरलैप के रूप में अंडे देती है और करीब 250 से लेकर के
टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पर, 250 से लेकर के 400 अंडे तक ये दे सकती है। इसको रोकने के लिए दो तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। एक तो अगर एडल्ट आपके खेत में यानी ये पंखी उड़ती हुई दिखाई पड़ती है, इसका सलभ दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए हम मॉनिटरिंग के लिए फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं और दूसरा लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप एक एकड़ में करीब अगर 4 फेरोमोन ट्रैप हम लगा देते हैं 20-20 मीटर की दूरी पर, तो उससे ये होता है जो एडल्ट होता है वहाँ पर आता है और इसकी जो मेटिंग होती है उसको एक तरीके से हम डाइवर्ट कर देते हैं, एडल्ट और मादा वहीं आकर के और ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा लाइट ट्रैप भी अगर लगाते हैं तो उससे भी नीचे अगर कोई इंसेक्टिसाइड हम भर के कंटेनर में रखते हैं उससे मर जाते हैं। तो इस तरीके से एडल्ट की जो एग लेइंग है उसको रोक पाते हैं फेरोमोन ट्रैप से, लाइट ट्रैप से। चूंकि सभी किसान भाई इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं जी, तो ऐसी दशा में ये आवश्यक है कि अगर इमिडाक्लोर बहुत ज़्यादा इंसिडेंस नहीं है तो इमिडाक्लोर पिट का 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दें 300 लीटर पानी में मिला करके एक एकड़ में, तो इससे काफ़ी नियंत्रण पाया जा सकता है। इंसिडेंस अगर ज़्यादा दिखाई पड़ता है या गन्ने की गोप में एग लेइंग के बाद जो कैटरपिलर हैं गन्ने की ग्रोफ के अंदर जा चुके हैं और वहाँ पर गोफ के अंदर बैठ करके उन्होंने गोफ को काट दिया, पैरेलल छर्रे जैसे निशान गन्ने की पत्तियों में दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसी दशा में जो क्लोर निट्रोप्राल है जिसको अगर हम ट्रेड नेम यहाँ CTPR तो उसको हम यूज कर सकते हैं 150 ml 400 लीटर पानी में मिला करके और एक एकड़ में ड्रेंचिंग करनी है। अब ड्रेंचिंग एक साइंटिफिक भाषा है, किसान भाई उसको समझ लें कि जो स्प्रेइंग मशीन है उसकी नाजल को ढीला करके और गन्ने की जो नीचे जड़ है और तना है उस जगह पर ड्रेंचिंग करनी। ड्रेंचिंग में जरूर ध्यान रखना बहुत ढीला नहीं करना है, थोड़ा सा स्प्रे होते रहे ताकि जो मिट्टी है वह गीली हो जाए। इससे ये फायदा होगा कि हम इसकी जो कैटरपिलर है उसको रोक पाएंगे और कैटरपिलर के बाद जो प्यूपा बनेगा, प्यूपा से अगर एडल्ट आता है तो वो भी डिफॉर्म हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इस दवाई का प्रयोग करते हैं, तो 400 लीटर पानी को यूज़ करना है लेकिन घोल अलग बनाएं। करीब ये 15 टंकी होती है एक एकड़ के लिए, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि 15 ग्लास एक तरीके से बना लें, हर टंकी में एक गिलास मिला करके और उसको स्प्रे करेंगे, ड्रेंचिंग करेंगे, तो इससे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा जो इसमें बहुत ध्यान रखना है जी, या तो नमी खेत में हो उस समय इसका प्रयोग करें, और अगर नमी नहीं है तो ये दवाई डालने के बाद 48 घंटे के अंदर जितनी जल्दी आप सिंचाई कर पाएं सिंचाई कर दें, जिससे टॉप बोरर का पूरी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। एक जैविक विधि भी है तो इसका, जैसे सिंचाई की बात, कि सिंचाई करने से क्या फायदा मिलता है, इसमें किस तरीके से कंट्रोल होता है? ये जो दवाई होती है ये जल विलय है, वाटर सॉल्युबल है जी। जैसे हम पानी खेत में लगाएंगे और पौधा आप टेक करेगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है यानी सिस्टम में, प्लांट के सिस्टम में चला जाता है, तो उसका जो प्लांट का सेल सैप है वो एक तरीके से कीड़े के लिए जहरीला हो जाता है, तो चाहे उसका कैटरपिलर हो और चाहे एडल्ट हो, सभी को नुकसान करता है और इस तरीके से हम नियंत्रण कर पाते हैं। अगर हम पानी नहीं लगाते हैं तो जहाँ पर हमने दवाई डाली वहाँ पड़ी रहती है, दवाई की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, तो इसका पूरा रिजल्ट हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए पानी लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है जी। डॉक्टर साहब जो दूसरी विधि बता रहे थे, दूसरा ट्राइकोकार्ट, जो हमारे शोध केंद्र हैं खासतौर से अगर मुजफ्फरनगर में देखें, कृषि विज्ञान केंद्र है, इसके अलावा हमारा गन्ना का शोध केंद्र है, वहाँ पर ट्राइकोकार्ट मिलते हैं। तो ट्राइकोकार्ट में एक इस प्रकार की मक्खी होती है जो जो हमारा टॉप बोरर होता है इसके अंडे पर वो एग लेइंग कर देते हैं, जैसे अंडे नष्ट हो जाते हैं उससे कैटरपिलर नहीं बन पाते हैं और फसल का जो नुकसान है उसको हम रोक पाते हैं। एक एकड़ में 4 ट्राइकोकार्ट अगर हम 15-15 दिन के अंतराल पे लगा देते हैं, लगाने का तरीका है कि ट्राइकोकार्ट आप लाएं, बिल्कुल कार्ड की तरीके से होता है, इसको ला करके जो गन्ने की पत्ती है उसकी निचली सतह पर टैग कर दें, धागे से चिपका दें, हाँ चिपका दें, धागे से बांध सकते हैं या जो मिड रिब होती है उसी में होल करके और इसको फंसा सकते हैं। पिन ना लगाएं, पिन लगाने से होता है कि जानवर अगर चारा खाते हैं तो लोहे की पिन उनको नुकसान करती है, तो ऐसी दशा में इस तरीके से इसको फंसा सकते हैं। 15 दिन पे अगर करेंगे उस फसल के लिए और बेहतर है, जो फसल बड़ी हो गई है जिसमें हम स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं और ड्रेंचिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो उसमें अगर ट्राइकोकार्ट का यूज़ करते हैं
तो निश्चित तौर से प्रभावी ढंग से इसको रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने जो फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप का जिक्र किया था, बहुत से हमारे किसान भाई पूछते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। लाइट ट्रैप में जब शाम के वक्त हम लगाते हैं या रात में लगाते हैं तो प्रकाश है ना, प्रकाश प्रपंच अगर हम हिंदी में इसको कहें, तो उसको देख करके कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं, वहाँ आते हैं। नीचे एक बाउल में इंसेक्टिसाइड का घोल रख सकते हैं तो उसमें आकर के मर जाते हैं। और जो फेरोमोन ट्रैप है वो एक तरीके से इंसेक्ट का लुर, यानी इंसेक्ट को लालच देने के लिए एक महक उसमें आती है जिसको सेंसिबल करके और कीड़ा उसके पास में जाता है, आकर्षित होता है। इसमें किसी लाइट की आवश्यकता नहीं, छोटा सा एक कैप्सूल होता है उसको लगा देते हैं, उस कैप्सूल से आकर्षित होकर करीब 50 दिन तक ही चलता रहता है, तो उससे आकर्षित होकर के और कीड़ा वहां पर आ जाता है, वहां नष्ट हो जाता है, एडल्ट की पॉपुलेशन कम हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बात को सुनकर के हमारे तेवतिया जी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब ने, देखिए ये जो ट्राइकोकार्ड और लाइट ट्रैप जी और फेरोमोन ट्रैप जी, ये एक ऐसे उपाय है बहुत ही सस्ते में और किसान को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक जो मादा है वो 250 से 400 अंडे देती है जी, और शिवनंदन जी मैं आपको बताऊं कि 400 गिंडार जो निकलती है ना उनमें से जी, वो 400 पौधों में जाती हैं अलग अलग। उनको ये पता रहता है इसमें पहले गिंडार जा चुकी है, उसमें नहीं जाती है, दूसरी में जाएगी, अलग जाएगी, उनको पहचान होती है। तो 400 गन्ने आपने बचा लिए अगर एक तितली को मार दिया तो, और उसमें फिर आप दवाई डालते रहोगे, आपका नुकसान हो चुका होगा, लेबर खर्च होगा, ये होगा। ये तो डॉक्टर साहब बिना खर्चे का उपाय बता रहे हैं, ये बहुत बढ़िया उपाय है किसानों का, सस्ता। किसानों को ये उपाय करने चाहिए। ये सब लाइट तो ट्यूबवेल रहती है, लाइट तो लगानी चाहिए, लाइट के नीचे आप पानी भर दो, उसमें मिट्टी का तेल डाल दो तो भी काम चल जाएगा। ये इतना सस्ता और टिकाऊ है कि इसका कोई तोड़ नहीं है जी। डॉक्टर साहब ये तो रही बात टॉप बोरर की, इसके अलावा दूसरे कीट, इसके अलावा जो अभी जल्दी में किसान भाइयों ने फसल लगाई है तो उसमें अर्ली सूट बोरर भी आता है। लेकिन किसान भाइयों से मेरी एक सलाह है कि ज्यादा इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है, केवल एक इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोपिड का अगर आप दो बार स्प्रे कर देते हैं 15 दिन पे, तो इससे गन्ने में लगभग जितने कीड़े लगते हैं जो सेल साइप को लेते हैं और गन्ने की पत्तियों को नुकसान करते हैं वो सभी कंट्रोल होते हैं। जो कंसंट्रेशन आपको रखना है, 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर का घोल बना करके और स्प्रे करना है 2 बार 15 दिन के अंतराल पर, तो इससे अर्ली सूट बोरर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगर आपके खेत में माइट है वह भी कंट्रोल होता है, और साथ ही में टॉप बोरर है तो उसको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर सल कीट हैं तो उनको भी ये काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेता है जी। देखिए इस समय पे एक चींटी और आती है, मीली बग जो कहते हैं जी, तो वो भी डॉक्टर साहब ने जो बताया 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इमिडाक्लोपिड अगर लगा दें तो वो भी नष्ट हो जाती है। किसान भाई ये थोड़ा ध्यान से देखते रहे कि वो कोथ जो होता है जहाँ पे ये अर्ली सूट बोरर लगता है ना, जो चोटी बेदक जी, वहीं पे वो चींटियां सी चलती रहती हैं, काले काले मुंह की होती हैं, तो वो उसको पूरा उसका रस चूस लेती हैं और उसका वो पीला पड़ जाता है, तो ये दवाई उसमें भी काम करेगी उसमें जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल, बातचीत आपसे जारी रखेंगे। एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक। खेतों में जब पॉली हैलाइट डाली जाएगी आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। IPL की पॉली हैलाइट, IPL की पॉली हैलाइट, मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉली हैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद IPL की पॉली हैलाइट। तो डॉक्टर साहब अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है और एक किसान भाई हमारे लाइन पे हैं, पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, इंद्रवीर त्रिवतिया, नाम चौपड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी त्रिवतिया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी डॉक्टर साहब खरपतवार के नियंत्रण के बारे में बता रहे थे जी,
डॉक्टर साहब जो मोथा है इसको बार बार निलाई कराई जाए, लेकिन ये फिर भी तैयार हो जाता है। अभी इसकी निलाई कराई, फिर पानी दिया, मेथा फिर जम के तैयार हो जाए। और जहाँ एक कली निकलती है मेथी, उसकी मेथा की, फिर उसमें दो तीन चार मतलब छत्ते के छत्ते जितने काटोगे उतने वो नीचे से बढ़ता चले जाएगा। तो इसका कोई ऐसा जैविक नियंत्रण बताइए जिससे ये खत्म हो और इसकी गांठ गल जाए। जैविक नियंत्रण तो आप रहने दो, आप केमिकल नियंत्रण सुनो इसका, क्योंकि जैविक नियंत्रण से नहीं हो पाएगा ये। आप केमिकल नियंत्रण में सल्फो सल्फुरान एक दवा होती है या हेलो सल्फुरान, ये ही दवा है जो इसको खत्म कर सकती है। जब दो से चार पत्ते हों, बड़ा नहीं होना चाहिए, दो से चार पत्ते हों, नमी हो, पानी करो जब खेत में, उससे दूसरे दिन इस दवा को आप अच्छी तरह से पानी में भर के और इसको छिड़क दीजिए उस पे, ये मोथा खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये बहुत जिद्दी खरपतवार है, ये गहरे में होती है और हर एक जगह गांठ होती है जी। ये सल्फ्यू सल्फुरान उस सिस्टम में जाके सारी गांठों को खत्म कर देता है। शर्त वही है जो मैंने बताई, दो से चार पत्ते होने चाहिए, नमी होनी चाहिए और अच्छी तरह से भिगोना है उसको। अगर बड़ा हो गया तो फिर ये कंट्रोल में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पीला पड़ेगा, फिर चल निकलेगा। तो ये करिए आप, ये बिल्कुल तर कर देना चाहिए। तर करने का मतलब ये नहीं है वहीं लिए खड़े रहो उसको और पूरे जमीन को भिगो दो, पत्ती न सारी दवा वहीं डाल दो, पत्ती गीली होती चली जाए। ठीक है, धन्यवाद फोन करने के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं ये केशव कुमार की गाई हुई रागिनी। अरे सहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी चंद पे ब्याही से मां कहना मुश्किल हो जागा, गोपी चंद पे ब्याही से मां कहना मुश्किल हो जागा। ए इतना दर्द गुरु चले पे सहना मुश्किल हो जागा, गोपी चंद पे ब्याही से मां कहना मुश्किल हो जागा, गोपी चंद पे ब्याही से मां कहना मुश्किल हो जागा।
सुन रहे थे केशव कुमार की गायी हुई रागिनी के साथ था गोपीचंद का, और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला और गन्ने की खेती, जिसका विषय है पछेती गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, कीट और रोग नियंत्रण। तो हमने खरपतवार नियंत्रण की बात कर ली है, सिंचाई और कीटों की भी बात हो गई है, अब बात आती है रोग नियंत्रण की। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो इस समय गन्ने की फसल को प्रभावित करते हैं और उत्पादन प्रभावित होता है? तो डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा एक, हम सुनते हैं कि हमारे किसान भाई कई बार फोन करते हैं एक पोका बोइंग, तो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब। पोका बोइंग एक बीमारी है गन्ने में, जब गन्ना हमारा बढ़ जाता है, अभी जैसे लेट का जो गन्ना हमने बाद में बोया है और शुरुआत का भी, तो ये फंगस से बीमारी होती है। इसमें जो गन्ने की पत्तियां हैं पहले ऐसे दिखाई पड़ेंगी जैसे हमने थोड़ा सा कपड़े को निचोड़ दिया है, बाद में वहां पर डीक्लोरोसिस हो जाती है, जो क्लोरोफिल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सिकुड़ी हुई लगती है, और बाद में जो क्लोरोफिल का कंटेंट है यानी क्लोरोफिल की मात्रा है उसका हरा रंग है वो काफी कम हो जाता है, सफेद सी पत्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं, सिकुड़ी हुई सफेद सी। और जब आगे की स्टेज में आप देखेंगे तो वहां पर गन्ने की जो पत्तियां हैं वो काली पड़ने लगती हैं, और बाद में जो इसकी लास्ट की स्टेज होती है नाइफ स्टेज, यानी जो गन्ने की ऊपर की गोफा आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चाकू के तरीके से हो गई, और लेटर स्टेज में ये सड़ने लगती है, बल्कि बदबू भी इसमें आने लगती है। तो इसके नियंत्रण का जो एक सही समय है वो यही चल रहा है, जून का महीना है। तो इसमें जो फंजीसाइड है, एक तो अगर आपके खेत में ज्यादा लगा है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके। अगर फसल बड़ी है तो पानी ज्यादा लगेगा तो दवाई की मात्रा भी बढ़ेगी, और अगर फसल छोटी है तो कम लगेगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो यही रहेगा 2 ग्राम प्रति लीटर का। अगर प्रिकॉशनरी तौर पे यानी प्रिवेंटिव मेजर के रूप में हम अपनाना चाहते हैं तो जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड हैं जैसे कार्बन डाइजिम है या मिथाइल थायफिनेट है, तो इसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके स्प्रे करना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि 15 दिन के अंतराल पर 2 बार अगर हम स्प्रे कर दें तो काफ़ी हद तक हम सुनिश्चित हो सकेंगे कि गन्ने में पोका बोइंग हमारे खेत में नहीं आएगा। तो ये काम करना, इससे आसानी से कंट्रोल हो जाता है। वैरायटी जो इससे प्रभावित है CO0238 जो गन्ने की प्रजाति है उसमें यह ज़्यादा लगता है, और जब बारिश होती है तो बारिश से चूँकि स्प्लैश जो बूंदें पड़ती हैं उससे फंगस आगे बढ़ती है, तो पूरी फसल में 2-3 दिन में ही दिखाई पड़ने लगता है कि इसमें पोका बोइंग पूरी फसल में लग गई। ईल्ड का यानी जो गन्ने की पैदावार है वो इससे कम हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और अगर ये नियंत्रण आप कर लेते हैं तो उसको रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि बरसात से पहले ही अगर आपको किसी तरीके की डाउट जाता है कि लगता है कि हमारे खेत में पोका बोइंग इसका प्रकोप आने वाला है या प्रकोप है, तो उसको बरसात से पहले ही कंट्रोल कर लें जिससे कि पूरी फसल पे उसका प्रभाव ना हो। बिल्कुल, क्योंकि बारिश में जो हम करते हैं तो कई बार फसल बड़ी हो जाती है, उसमें स्प्रे करना भी मुश्किल हो जाता है, तो अगर पहले ही आपके खेत में कहीं दिखाई पड़ता है, और खास तौर से जैसा कि मैंने बताया चौड़ी पत्ती वाली 0238 जो गन्ने की प्रजाति है वो ज्यादा प्रभावित होती है, लेट प्लांटिंग का जो गन्ना है यानी जो देर से हुआ है जिसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं जी, वो ज्यादा इससे प्रभावित होती है। एक चीज और ध्यान रखना है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा प्रयोग बारिश के सीजन में बिल्कुल ना किया जाए, 30 जून के बाद नहीं किया जाए, तो इसको काफी हद तक इससे भी नियंत्रित किया जा सकता है। जी डॉक्टर धर्मवीर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने खरपतवार नियंत्रण की 3 विधियां बताई थी, यांत्रिक, जैविक और रासायनिक जी, तो यांत्रिक और रासायनिक पे विशेष तौर पे बातचीत हुई, लेकिन जैविक नियंत्रण के बारे में आपने थोड़ा सा कम बताया है, वो भी आप बताइए किसान भाइयों को किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, जैसे हम गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल छीलते हैं तो जो हमारी पत्ती होती है उसको हम बिछा देते हैं, मल्चिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारी नमी भी बरकरार रहती है और जो हमारे खरपतवार हैं वो भी कंट्रोल में रहते हैं, यानी एक रूप से मल्चिंग के जरिए से उसको कम कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर तेवतिया जी, आपको कार्यक्रम में चलते चलते क्या किसान भाइयों से कहना चाहेंगे? बस किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो प्रेडिक्शन आ रहे हैं जून के एंड तक 20 से 25 जून तक बारिश आ जाएगी, और बारिश के से पहले मिट्टी चढ़ा दें अपनी खेत में जी, और मिट्टी चढ़ाने के बाद में एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बारिश होते ही जो ह्यूमिडिटी होती है वो उसमें
आपका टॉप बोरर की जो चौथी पीढ़ी है वो एकदम से आएगी, तो उस समय एक दवाई का इस्तेमाल जरूर करें, बस यही मैं कहना चाहूंगा। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, किसान भाइयों से मेरा यह अनुरोध है कि जो वैरायटी CO0238 है उसका रकबा बहुत ज्यादा था, तो उसको हम लोगों ने अभी घटाया है, लेकिन फिर भी इस वैरायटी में ध्यान रखें, रेड रॉट कई क्षेत्रों में देखा गया है। अगर आपके खेत में कहीं दिखाई पड़ता है गन्ने की पत्तियां रुद्राक्ष की माला के तरीके से लाल हो गई हैं, तो उस गन्ने को उखाड़ करके और वहां पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें और उस पूरे खेत में एक बार मिथाइल थायोफिनेट का या किसी अन्य फंजीसाइड का स्प्रे कर दें और साथ में पानी लगाना उस समय बंद कर दें जब तक कि ये काम आप नहीं कर लेते हैं, और उस क्लंप है उसको उखाड़ करके खेत से बाहर नष्ट कर दें। जी किसान भाइयों, आप सुन रहे थे पछेती गन्ने में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। आज हमारे साथ विशेषज्ञ थे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, उप गन्ना आयुक्त मुजफ्फरनगर से, और डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, आप मुख्य प्रबंधक थे गन्ना अभी मुजफ्फरनगर से थे, और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी, आप मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड से। तीनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहन भाइयों, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रायोजित कार्यक्रम था गन्ने की कृषि पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। सब्जियां हो फल हो अनाज हो या दालें, हर खेती में एकरोना ही डाले, एकरोना ही डाले, एकरोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एकरोना एनपीके ट्रिपल 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलाए, हर मौसम में फसलें लहलाए, खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक IPL का एकरोना NPK ट्रिपल 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान ट्रिपल 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो साथियों, कृषि जगत में आप सुन रहे थे गन्ने की पाठशाला, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमारे सभी श्रोताओं को राम राम राम, राम।